बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका मोदी के घर के लोग पकौड़े बेचेंगे मोदी हट जाएंगे या क्या अमित शाह का बेटा पकौड़े बेचेगा एक पीएचडी लड़की पीएचडी जिसने किया पीएचडी वो पकौड़े बेच रही है पकौड़े बेच, बेच रही है बंद कर दो यूनिवर्सिटी बंद कर दो स्कूल कॉलेज किस लिए खोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बंद कर दो दोनारे को बिल्किस बनो के ग्यारह लोगों को जेल से रिहा करा के हार पहना रहे हैं यह है इनका परिवार सरकार से आपत्ति है गलत है सरकार इसको रिजाइन करना चाहिए सरकार करो सिफा ने इस्तीफा देंगे तुम्हारे पास चार लोग तो है नहीं तुम चार पार क्या जाओगे विधायक का समय है मोदी जी घर बैठिए नमस्कार मैं नूरझा और आप देख रहे हैं जनित आवाज डॉक्टर रितु सिंह का मामला तो आपको पता ही होगा वो कम से कम सौ दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं वो विश्वविद्यालय गेट नंबर चार आठ फैकल्टी गेट के गेट नंबर चार पे बैठी हुई थी और लगातार जो है उनका जो धरना प्रदर्शन जारी था और उसके बाद जो है पुलिस वालों ने उनका पूरा जितना भी टेंट वगैरह था वो हटा दिया गया और लगातार प्रदर्शन करने के बाद उनको डिटेन कर लिया गया है और उसके बाद यहाँ तक चीजें पहुंच चुकी कि उनको पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं पी एच डी पकौड़े वाले क्या किसकी बात कर रही है पकौड़े डॉक्टर रितु सिंह की बात कर रहे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं वो पकोड़े बेच रही हैं स्टॉल खोल रही है देखिए मैडम ऐसा है मैं आपको एक चीज बता दूं आज इस देश में जब से ये मोदी की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरने प्रदर्शनों में तब्दील पूरा देश धरने प्रदर्शनों में पूरा देश तब्दील है कहीं कोई सुविधा सुविधा नहीं है धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन लाठीचार तानाशाही, किसान धरने पे पहलवान धरने पे जवान धरने पे लड़कियां धरने पे युवा धरने पे सब धरने प्रदर्शनों में बिजी है। हैं। पकोड़े की बात कर रहे एक पीएचडी लड़की पीएचडी जिसने किया पीएचडी, वो पकोड़े बेच रही है पकोड़े बेच रही है। बंद कर दो यूनिवर्सिटी बंद कर दो स्कूल कॉलेज किस लिए खोले हैं

और दिन एक सौ नब्बे, दिन, एक नब्बे हो दिन हो गए हाँ। और न्याय के लिए बैठी हैं और कहां पर जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी वो पढ़ाती थी सच्चाई को लेकर हाँ। और उन्होंने क्या कहा कि ये दलित है ये है झूठ बोलती है और न्याय के लिए बैठी है दिलेरा रितु जी दिलेरो हम आपके साथ हैं अरुण मलिक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ है डटेरो आपकी जीत निश्चित है महमूद प्राचा भी है आप वो जीत निश्चित है निश्चित है जीत आपकी आप हारने वाली लड़की नहीं, शेर नहीं है मैंने बहुत वीडियो भी देखे आप देखा आप शेरनी जीतेंगी नहीं। दूसरी चीज जी। ये जो मोदी जी हैं हाँ। एक जो इनके मंत्री हैं या वहां गए हाँ। कि रितु जी बताइए क्या बात है हाँ। क्या दिक्कत है हाँ। आपको किसने तंग किया कौन है कौन वाइस चांसलर है तू मंत्री किस बात का क्यूँकी मंत्री ऋतु से कम पड़ा हुआ है ऋतु जी पीएचडी मंत्री पीएचडी नहीं होगा तो शर्म शर्मारे मंत्री भी नहीं जा रहा होगा वहाँ जिसके पास मैं उसने तो पीएचडी कर रखा है मैंने पीएचडी किया ही नहीं हुआ तो शर्म तो उनको आएगी एक लड़की अरे शर्म करो शर्म करो एक सौ कितने दिन हो गए नब्बे दिन हो गए बैठे हुए और उनको कह रहे पकौड़े बेचो तो क्या प्रदर्शन क्या कांग्रेस पार्टी के समय में नहीं हुए थे क्या प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के समय जब कांग्रेस पार्टी थी तब स... नहीं, कहते, नहीं हाँ। हुए लेकिन लोगों को जस्टिस मिला हाँ। न्याय मिला लोगों को ये तो सुनते ही नहीं किसी की बात जहाँ कोई बात करने गया धारा 144 लगा दो अरे आज वो रितु वहाँ जा रही है धारा एक सौ दो वो जा रही अरे बेचारी ने रेडी लेके पकोड़े तुम पकोड़े भी नहीं बेचने दे रहे वो क्या करे अगर प्रधानमंत्री चौवालीस लगाई है तो कोई सोच समझ के ही लगाई होगी ना आप उसके उल्लंघन करने पे आ जाते हैं उल्लंघन सरकार कर रही है एक लड़की अगर पकौड़े बेच रही है अपना उसने जीवन जब उनको अपने नौकरी से हटा रहे हो हाँ। तो अपना उसने जीवन तो चलाना है हाँ। उसने घर बार तो चलाना ना भाई बहन सबको देखना तो है हाँ। तू देखेगी नहीं पकौड़े भी तुम कह रहे हो मत बेचो तो क्या बेचे हाँ। क्या बेचे ये बताओ इसको सरकार को पूछो हाँ। क्या करे क्या मोदी के घर के लोग पकौड़े बेचेंगे मोदी हट जाएंगे या क्या अमित शाह का बेटा पकौड़े बेचेगा बी सी आई का बेचेगा पकौड़े क्या तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे आप ये बताइए हम बड़े लोग सोचने में हैं वो लोग आए लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे मैं मेट्रो में जाता हूँ बस में जाता हूँ लोगों को देखता हूँ लोग देख रहे होते हैं लोग आपस में बात कर रहे हो मेट्रो में लड़कियां बात कर रही होती हैं आदमी बात कर रहे यार देखो एक लड़की है वो पी एच डी क्यों पकौड़े बेच रही है हैरानी की बात हैरान होते हुए है? दिख जाएंगे कौन तमाम लोग और लोग भी बेच रहे हैं ऐसे डिग्री के साथ लोग बेच रहे हैं मैं अपनी जीवन व्यापी करने के लिए बेच रहे हैं न एक पीएचडी लड़की एक पीएचडी की हुई वो पकौड़े बेचेगी अरे उसका कहीं और लो उसका आ, बात यूज करो को उनको किसी और चीज में करो पीछी किया हुआ उसने पकौड़े बेचेगी क्या हाँ। है लेकिन फिर भी दिलेर है अपना उसने रोज अपना जीवन चलाना है रोज की रोटी भी तो खानी है उसने तुम उसको पकौड़े भी नहीं बेचने दे रहे दादागिरी हाँ। कर रहे हो तानाशाही कर रहे हो हाँ। ये कहा का है न्याय ये न्याय है ये न्याय है कभी बॉम्बे में लड़कियां बेचारी पकोड़े बेच रही हैं भोपाल में पकोड़े बेच रही हैं कोई कुछ है नहीं तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बंद कर दो सुनारे को बंद कर दीजिए सुनारे को बेटी पढ़ाओ बेटियों कौ, कौ, हाँ। पढ़ के पकोड़े बेच रही है हाँ। ये तुम्हारे नारा खोखला नारा एक और चीज ट्रेंड कर रही है जब से जो लालू यादव जी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है हाँ। और इसके बाद ट्रेंड कर रहा है कि मोदी का परिवार सबने जो भाजपा के नेता उन्होंने लिख दिया कि मोदी का परिवार अपने अकाउंट के आगे ये चीज बहुत ट्रेंड कर रही है देखा लालू लालू जी ने जो कहा ना मेरे आदरणीय हमारे नेता हैं प्रणाम करता हूँ लालू जी को जो उन्होंने कहा सच कहा लालू जी ने सच कहा और इन क्या के कभी झुके तो नहीं ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं जब पूरी नहीं जनता है। मोदी का परिवार है बात तो सुनो ना हाँ। लालू जी इनके आगे झुके नहीं हाँ। जेल चले गए झूठे केस उन्होंने बनाए लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी यादव बिहार के लोगों का देखने दिलों में राज करेंगे आने वाले मुख्यमंत्री बाकी रही परिवार के जो लालू जी ने कहा सौ प्रतिशत जी ने एक मोदी जी का कौन सा परिवार है जनता है परिवार कौन सा जनता दस साल में जनता कहाँ थी दस साल में जनता कहाँ थी दस साल जनता का ध्यान नहीं आया मोदी जी को आठ हजार के करोड़ रूपए प्लेन में घूमते रहे टमाटर चार सौ रुपये किलो अदरक चार सौ रुपये ले जनता की परवाह नहीं थी लहसुन छः सौ रुपए किलो सिलेंडर बारह सौ रुपये किलो ये जनता को उनको न पेट्रोल सौ रुपये किलो तो पैंतीस रुपये का पेट्रोल की बात करते थे हैं तो सौ रुपये पेट्रोल पहुंच गया तब जनता वो जनता दुखी है आंसू बहा रही है जनता इस देश की जनता इस सरकार के लिए आंसू बहा रही है आप मुझे एक चीज़ बताओ क्या है ये जनता अब जनता की याद आई क्योंकि जाने वाले हैं इनके जाने का टाइम आ गया अब जनता इनको विदाई, विदाई देगी जनता इनको विदाई देगी जाइए घर बैठिए बहुत नुकसान हो गया देश का 10 साल बर्बाद कर दिया इस देश को आपने तो इस तरीके से बोलना सही कि लालू यादव जी बोल रहे हैं कि मोदी हिंदू नहीं है बल्कि खुद जो मोदी उनका एजेंडा यही चलता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देखिए उनका परिवार कौन है मोदी जी का बलात्कारी ब्रिजभूषण नित्यानंद जी आई टी सेल के लोग लड़की को उठाते हैं कैमरे रिवॉल्वर की नोक पे और रेप करते हैं वीडियो बनाते हैं ये है, है राम, राम राम नीरव मोदी क्या, क्या सारे देश का पैसा लेके भाग गए हैं पकड़े गए पकड़े गए तो राहुल जी आवाज यही तो उठा रहे हैं ये न्याय यात्रा किस लिए है इसलिए देश के लोगों को न्याय मिले पहले वो चले कन्याकुमारी कश्मीर तक फिर चले आपके मणिपुर से मणिपुर के लोग रो रहे हैं महिलाओं को कैसे इन्होंने घुमाया घुमाया हाँ। परिवार इनका है हाँ। और जो बिलकिस बानो के ग्यारह लोगों को जेल से रिहा करा के हार पहना रहे हैं ये है इनका हाँ। परिवार क्या सर आपको सरकार मेरे को आपत्ति सरकार से आपत्ति सर है गलत है सरकार रिजाइन करना चाहिए सरकार को ये सरकार इस नहीं है बिल्कुल देश का करें। आ, ये मैं करें। तो चाहिए। तो चाहिए। तो रहे हैं क्या? चार हटा दो चार को अरे अगर इतना दम है ना पांच सौ तरतालीस लड़ो नहीं बिल्डिंग अरे पांच सौ तरतालीस पे लड़ो ना पांच सौ लोग ही नहीं पांच सौ तैतालीस सदस्य है ना लड़ाओ ना पांच सौ तैतालीस है? चार सौ लोगों को मिला के कर रहे हो कि तुम्हारे पास चार सौ लोग तो है नहीं तुम चार सौ पार क्या जाओगे विधायक हाँ। का समय है मोदी जी घर बैठिए जनता आपको करेगी चेंज कहते हैं सुनिए तलवारों की धार पे जंग की आजादी मैं अपने यूथ कांग्रेस के लिए बोलूंगा ये तलवारों की धार पे जंग की आजादी पलती है इतिहास उधर चल देता है जिधर जवानी चलती है समझ गए तो इसलिए मोदी जी चौबीस में घर बैठेंगे तो इतिहास ही बदल देंगे संविधान बड़ा अच्छा इतिहास बदला है बड़ा अच्छा इतिहास मणिपुरी की लड़कियों को निवस्त्र घुमाया जा रहा है आई टी के लड़के लड़कियों को किडनैप करके रेप कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं हैं बड़ा अच्छा इतिहास है काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास ये दस साल का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा समझ गए बड़ा अच्छा इतिहास बता रहे महंगाई महंगाई कम करेंगे वही महंगाई दो करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे मिले पंद्रह लाख मिले जीएसटी को डाला मिला अरे मैं आपको फिर कहता हूँ जो तो मिला। सर दो हजार का नोट चला नहीं सके तो सरकार क्या चलाएंगे दो हजार का नोट तो चला नहीं सके सरकार चलाएंगे? अरे रहे मंदिर जाओ ना, मंदिर मंदिर तो क्या चलाएंगे तो क्यों खुश रहो मंदिर में? क्यों, क्यों? किसरे बोल रहे रोटी कहाँ से खाएंगे कहाँ से खाएंगे ये मोदी जी खिलाएंगे किसान बैठे हैं हाँ तभी किसान बैठे हैं अपना दाम मांग रहे हैं और रो रहे हैं रो रहे हैं अपना दाम मांग रहे हैं कि मुझे दस रुपए दो कह रहे हो नहीं दो रुपए लो क्यों भाई वो मोदी को चिंता क्यों सता रही है कि पता है किसानों ने गेहूं नहीं देना ना तो मैं पांच किलो गेहूं कैसे दूंगा अब गेहूं कैसे दूंगा किसान गेहूं बोएंगे नहीं कैसे गेहूं मिलेगा चिंता उनको ये सता रही है चिंता छोड़िए सऊदी अरब में भी मंदिर बनवा दिया अच्छा है तो ये ये आपके जो लोगों में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ ना यहाँ कॉलेज बनाओ ना यूनिवर्सिटी के लोग बाहर बैठे हैं लड़कियाँ बाहर बैठी हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा बंद कर दें समझ गए हमें कुछ नहीं लेना आपको रोजगार चाहिए लोगों को ये पेट भरना है मंदिर का घंटा नहीं बजाना इस पेट को भरिए मंदिर में हर आदमी घंटा बजाता है हर लोग जाते हैं सब धर्म है इस देश के सिख धर्म भी है बौद्ध भी है ईसाई भी है जैनी भी है मुस्लिम है उस सबका योगदान रहा है इस देश में आजाद कराने के लिए और ये हैं ये आजादी के टाइम के मुख बरते गोरों के इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद रितु को अरे आप छोड़िए ये काटा लगाइए चार सौ पार को अगर मैं बता रहा हूँ ना जीरो लो इतना दम दम है है ना इतना इलेक्शन अनाउंस कर दें बीजेपी दो फाड़ा है दो फाड़ा बीजेपी। है बीजेपी डर के मारे निकल रहे आप कुछ लोग है मणिपुर में अच्छा सरकार किसकी सरकार है बताओ सरकार किसकी है वहां पर पंद्रह साल से भले आया बड़े बातें मोदी बोलिया से गोदी मीडिया से हो क्या है अरे अब देश के युवा हो तो तो अरे युवा पत्रकार हो सच्चाई बोलो पत्रकार सच बोलता सच बोलिए पंद्रह साल से सरकार इनकी की वहाँ पे किसकी सरकार है वहाँ मणिपुर में सरकार किसकी है इनकी है ना मुख्यमंत्री किनका है किसानों को अंधा कर रहे हो कर शर्म करो करो कार्रवाई पंद्रह साल से कर रहे हैं अच्छा है ना गोदी मीडिया को बोलो जाके वहाँ दिखाएं कार्रवाई क्या हो रही है हैं और कोई होता तो एक एकदम पहुँच जाते हैं वहाँ पे सीज कर दिए यूथ कांग्रेस के अकाउंट को ये सीज करो ना एसबीआई के आ, क्यों समय मांग रहा है आ, में समय घबराया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को लायर भी पूरा देश लगा हुआ है इनकी बेईमानी पकड़ी गई है चंडीगढ़ में भी कई जगह बेईमानी इनकी पकड़ बेईमान सरकार है तो अब नहीं जितना ईवीएम से चुनाव नहीं होगा बैलेट पेपर से होगा इसलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी खरगे साहब सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जी बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल तो सीधे बोल दिया है कि बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल प्रियंका तो इस इसमें आपकी क्या राय है क्या ये जो चीजें जो भी बोली गई है कि अब की बार जो 400 पार का नारा दे रही है भाजपा सरकार अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो भाजपा दो फाड़ हो जाएगी इस तरीके की चीजें भी बोल रहे हैं चैलेंज है मेरा चैलेंज है चैलेंज दे रहे हैं तो इसपे आपकी क्या राय ने हाँ। हर्षवर्धन रिजाइन कर गए वो गुजरात के डिप्टी सी रिजाइन कर गए सारे धीरे धीरे आप करो ना सारे कर जाएंगे हाँ। तो इस पूरी जो वीडियो है इसपे आपकी हाँ। क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा धन्यवाद